अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एडमिशन 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 जून 2020 की। बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे बीएड या डीएलएड, किसमें दोस्तों आपको नौकरी पहले मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हम बता दें आपको कि सरकारी अध्यापक की सैलरी जो होती है वो 50,000 रुपये प्रति माह होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बार टीचर बन गए तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप टीचर बनेंगे ना, आज तो दोस्तों 2020 की तारीख है, लेकिन दोस्तों आपकी जो नौकरी मिलेगी वो 2022 या 2022 के बाद ही मिलेगी, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स होता है। तो कुल मिला के दोस्तों तब तक सैलरी ये और बढ़ जाएगी, कम तो होनी नहीं है, बढ़नी है। उसके बाद दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं चलिए डीएलएड के बारे में कि कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपका यही होगा कि ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो इस साल इंटर पास होंगे छात्र उनको मौका मिलेगा। अगर इनको मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि इनका जो कोर्स होगा वो 4 साल का होगा, ठीक है। 2 साल का कोर्स उनका दोस्तों होता है जो ग्रेजुएशन पास करके बच्चे आते हैं, चाहे बीटेक बीएससी बीए, अगर आपने कुछ भी पास करके आएंगे तो आपका कोर्स 2 साल का होगा। 12वीं पास छात्रों के लिए 4 साल का होगा। लेकिन दोस्तों अभी हम आपको बता दें, अभी तक ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है जिसके हिसाब से हम ये कहें कि यहाँ पर 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा। तो दोस्तों क्या विज्ञप्ति जारी हुई है? तो इसका आंसर है नहीं। तो अभी तक दोस्तों विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं अभी दोस्तों ये क्लियर नहीं है कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं। वेट एंड वॉच करिए दोस्तों, फिलहाल आप लोग ग्रेजुएशन का भी अपना देखते रहिए कि आगे आपको क्या करना है, बीटेक में जाना है, बीएससी करना है, बीए करना है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्त इस वीडियो में शुरू करेंगे कि फॉर्म भरते समय गलती मत करिएगा। काफी छात्र ऐसे होते हैं जब फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन, तो दोस्तों कभी उनका नाम गलत होता है, कभी उनके पिताजी का नाम गलत होता है, कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दोस्तों आपको फिल क्या क्या करना होता है, हाई स्कूल का, इंटर का और ग्रेजुएशन का। दोस्तों आपका रोल नंबर, प्राप्तांक और पूर्णांक। जैसे आपने दोस्तों हाई स्कूल में 600 में से 200-500 नंबर पाए, तो बच्चे गलती से 500 की जगह 200-510 नंबर डाल दिए। ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे दोस्तों आगे चलकर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन सभी बातों पर जरा ध्यान रखिएगा। अब और महत्वपूर्ण बात हम दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज के लिए कितनी मेरिट चाहिए होगी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कॉलेज का मतलब बताते डीएलएड में दोस्तों सरकारी कॉलेज को बोलते हैं हम लोग डायट, ठीक है, DIET। तो सरकारी कॉलेज दोस्तों कितनी मेरिट चाहिए होगी उसको हम देखेंगे, और सभी कैटेगरी के दोस्तों हम बताएंगे कि अगर दोस्तों आप जनरल के छात्र हैं तो आपके लिए कितनी मेरिट, ओबीसी के हैं तो कितनी मेरिट, एससी के हैं तो कितनी और एसटी के हैं तो कितनी मेरिट। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरकारी कॉलेज की फीस और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, ठीक है। फीस का दोस्तों मैटर सबको जरूरी है कि यार जो बच्चे गरीब घर से आते हैं वो चाहते हैं दोस्तों कि उनको सरकारी कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है एक साल की वो 10,200 रुपये प्रति ईयर होती है, ठीक है, मतलब प्रति साल दोस्तों ये कह सकते हैं, प्रति वर्ष का ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो एक साल की होती है 41,000 रुपये। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है सरकारी कॉलेज से लगभग 4 गुना महंगी है। एक बात और आपको बता दें, 4 गुना महंगी होने के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों आपसे मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, प्रैक्टिकल फीस हो गई, उससे दोस्तों मतलब आपसे ढेर सारे पैसे लूटे जाते हैं, वसूले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लूटे जाने इसलिए कहेंगे कि कुछ कॉलेज वाले तो सच में लूट लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले अच्छे होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस भी, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात होगी एज लिमिट को लेकर। देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन बेस आते हैं, अगर आपने बीए बीएससी बीटेक कुछ भी करके आते हैं, तो कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से एक भी दिन कम होंगे तो दोस्तों फिर आपको डीएलएड एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ लेकिन दोस्तों जो 12वीं पास छात्र होंगे उनके लिए दोस्तों भी ये निर्धारित नहीं की गई है, तो उनके लिए एज लिमिट हो सकता है ना हो, ठीक है। अब दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है उस पर डिस्कस करते हैं, डीएलएड या पूर्व में बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया की। दोस्तों जुलाई में दोस्तों होगा प्रवेश की प्रक्रिया, कब होगी, जुलाई में। बेसिक शिक्षा विभाग शासन को भेज रहा है प्रस्ताव, अपडेट्स का इसको जरा देखते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग डीएलएड प्रचलित नाम बीटीसी की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में शुरू करना चाह रहा है, जबकि दोस्तों निजी कॉलेज चाह रहे हैं कि स्नातक की परीक्षा होने के बाद ही इसके प्रवेश खोले जाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा अभी ग्रेजुएशन के पेपर नहीं हो पा रहे हैं, बीए मतलब बीए हो गया, बीएससी हो गया दोस्तों, या बीटेक के पेपर अभी इस साल नहीं हो पाए हैं। देखिए डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में स्नातक अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है, मतलब दोस्तों आप ग्रेजुएशन पास होंगे तभी आप प्रवेश ले सकते हैं। अभी 12वीं पास छात्रों का दोस्तों क्लियर नहीं किया गया, इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसके लिए जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष जुलाई में शुरू होती है और सितंबर से पढ़ाई शुरू की जाती है। पिछले साल 200 अगस्त से पढ़ाई शुरू हुई थी, लेकिन निजी कॉलेज इसका विरोध कर रहे हैं और वह लगातार विभाग और शासन को पत्र भेजकर इसका विरोध कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय भी परीक्षाएं नहीं करा पाए। जुलाई में विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं करवाना चाहते हैं। वही बीटेक में भी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा अभी बाकी है, जबकि 200 डीएलएड में बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए समेत समकक्ष कोर्स करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश लेते हैं। ऐसे में जब इस वर्ष फाइनल वर्ष के विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे तो काफी संख्या में सीट खाली रहने की संभावना रहेगी। यूपी में सरकारी कॉलेज में डीएलएड की 200 जो सीटें हैं, मतलब 10,600 सीटें हैं, ठीक है। अगर आप 200, 10,600 अगर आपकी रैंक बनेगी उत्तर प्रदेश में, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, नहीं तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। 10,600 सीटें हैं, लेकिन दोस्तों एक साल का पढ़ने का जो कोर्स है सरकारी कॉलेज का, वो 10,200 रुपये है। वही निजी कॉलेजों में दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड मान्य होने के बाद डीएलएड का क्रेज घट रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही हम बात कर रहे थे जैसे वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि क्या करना बेहतर होगा, बीएड या डीएलएड, उसको दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल दोस्तों प्रस्ताव तैयार हो चुका है, बेसिक शिक्षा विभाग शासन को भेज रहा है प्रस्ताव। निजी कॉलेजों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए एक एक करके आपके सारे सवाल के उत्तर हम ले लेते हैं। पहला सवाल था दोस्तों आपका, बीएड या डीएलएड किस में आपको नौकरी पहले मिलेगी। देखिए दोस्तों, बीएड में आपको मौका ज्यादा मिलेगा, बस ये समझ लीजिए। अगर आप बीएड करेंगे तो आपके पास मौके ज्यादा होंगे, जैसे आपका टीजीटी पीजीटी की कोई वैकेंसी आ गई, एलटी ग्रेड की आ गई, या दोस्तों अभी एक वैकेंसी आई थी जिसका नाम था बीईओ, इसको हिंदी में बोलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, या बीईओ का फुल फॉर्म है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ पर दोस्तों डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं दिया गया था, 309 पदों पर भर्ती आई है ये, अभी दोस्तों इसका पेपर होना बचा है, ठीक है। यहाँ दोस्तों सिर्फ बीएड के छात्रों को मौका मिला, इसीलिए डीएलएड के छात्र परेशान भी थे, नाराज भी थे कि नहीं हमें भी मौका मिलना चाहिए था। तो इसीलिए दोस्तों कहना है, अगर आप बीएड करेंगे तो आपके पास मौके ज्यादा होंगे, अटेम्प्ट आपको ज्यादा मिलेगा। डीएलएड करेंगे तो दोस्तों सिर्फ आप डीएलएड की वैकेंसी में आपको मौका मिलेगा, लेकिन हाँ जहां पर दोस्तों डीएलएड के छात्रों को मौका दिया जाएगा वहां बीएड के छात्र ऑटोमेटिक मान्य हो जाएंगे, लेकिन जहां जहां बीएड के छात्र मौका पाएंगे वहां डीएलएड के छात्र मौका नहीं पा पाएंगे। तो अगर आपका सवाल ये है कि बीएड या डीएलएड किसमें पहले नौकरी मिलेगी, अगर दोस्तों हम ये आपसे बात करें कि अगर बीएड में कोई वैकेंसी आती है जहां डीएलएड छात्रों को मौका ही नहीं मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि बीएड छात्रों को पहले नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आप बीएड या डीएलएड में दोस्तों एक चीज चूज करना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से आपको बीएड करना बेहतर होगा। डीएलएड भी अच्छा कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, डीएलएड में आपको थोड़ा नंबर ज्यादा मिलेगा, ये फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सरकारी कॉलेज के जो मतलब अध्यापक होते हैं उनकी सैलरी, तो भाई 50,000 रुपये है, ये समझ गए। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है दोस्तों, जब ऑनलाइन आवेदन की बात आएगी तो उसका लिंक हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सवाल था कि क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों अभी ये बात क्लियर नहीं हो पाई, तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। किसका वेट एंड वॉच, एक विज्ञप्ति जारी होती है दोस्तों, प्रेस नोट जिसको कहते हैं, प्रेस रिलीज कहिए, नोट कहिए, उसके हिसाब से दोस्तों आगे का प्रोसेस शुरू होगा कि डीएलएड में किन छात्रों को मौका मिलेगा और किन छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगला सवाल था फॉर्म भरते समय मत करिएगा गलती। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र फॉर्म भरते समय, जैसे आपकी मेरिट तो काफी ज्यादा है 240 नंबर, 245 नंबर, लेकिन अगर आपने गलतियां कर दी तो दोस्तों फिर आपको मौका नहीं मिल पाता, फिर आप होता है ना लास्ट काउंसलिंग में दोस्तों जो होता है वहां पर आपको मौका मिलता है, तो कुल मिला के सरकारी कॉलेजेस की सीटें तब तक खत्म हो जाती हैं। अब दोस्तों बात होगी कि फीस हमने देख लिया, एज लिमिट पर बात कर लिया, सरकारी कॉलेज के लिए मेरिट कितनी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जनरल की, जहाँ सबसे ज्यादा छात्र फाइट करते हैं, ओबीसी, ओबीसी में समय छात्र जनरल से ज्यादा फाइट करते हैं, एससी हो गया, एसटी हो गया, फिजिकल हैंडीकैप हो गया दोस्तों, फ्रीडम फाइटर हो गया, और एक्स सर्विस मैन हो गया। जी हाँ दोस्तों, इतनी चीजें हो गई। सबसे पहले दोस्तों हम जनरल की बात कर लेते हैं, तो जनरल के लिए मेरिट आपकी क्या होनी चाहिए, कम से कम दोस्तों इस बार 230 से लेकर 240 प्लस। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल 240 प्लस से स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन डाउन होते होते 230 तक भी आई थी। ओबीसी में भी दोस्तों यही सेम मेरिट रहेगी, ठीक है, 230 से लेकर 240 प्लस में आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अभी आपको ये भी बताएंगे मेरिट निकालते कैसे हैं। एससी कैटेगरी में दोस्तों ये थोड़ा डाउन हो सकता है, 210 से लेकर 220 तक जा सकता है, ठीक है। एस टी में दोस्तों और डाउन हो जाएगा, 200 से लेकर 210 प्लस तक जा सकता है,
ठीक है, फिश के लैंडिंग कैप में दोस्तों आपका 180 प्लस जाएगा, 180 प्लस से आप कह सकते हैं 200 तक जा सकती है मेरिट। उसके बाद फ्रीडम फाइटर में दोस्तों 180 प्लस से लेकर 200 ये भी। उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर 180 प्लस पर आपको सरकारी कॉलेज कहीं ना कहीं तो मिल सकता है। देखिए जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं ना, उसमें आपके पास एक विकल्प होता है जहाँ पर दोस्तों आप अनलिमिटेड डीलेड कॉलेजेस के नाम डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर आप रहने वाले लखनऊ के तो लखनऊ का डालेंगे, आगरा डाल सकते हैं, गाजियाबाद का डाल सकते हैं, जहां मन करे डाल सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको क्लियर कर दे इस वीडियो के अंत में, अगर आपका मन है कि हमें सरकारी कॉलेज चाहिए, ठीक है, पहला मन है आपका क्या कि सरकारी कॉलेज चाहिए, तो अगर आपको आपके जिले का सरकारी कॉलेज ना मिले ना, तो अगर दोस्तों आपके जिले के आसपास कोई दूसरा डाइट हो तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों अगर ज्यादा दूर जाना पड़े तो फिर आप डाइट मत लीजिएगा, प्राइवेट अपने यहाँ ले लीजिएगा। नहीं तो दूर जाएंगे तो वहाँ भाई कमरा किराए पर लेना पड़ेगा। डीएलएड में देखिए वैसे कॉलेजेस के हॉस्टल मिलते हैं, लेकिन एक बार वहाँ आप जाकर चेक कर लीजिएगा कि उनकी स्थिति क्या है। अगर स्थिति दोस्तों दयनीय है, ज़्यादा खराब है, तो वहाँ मत लीजिएगा, नहीं तो कहीं बिल्डिंग विल्डिंग गिर गई तो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों सरकारी कॉलेज कोशिश होगा कि आप जिस जिले में रहते हैं अगर आपके यहाँ डाइट है तो वही सरकारी कॉलेज लीजिएगा, दूर जाने की जरूरत यहाँ नहीं है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। मेरिट आप समझ गए। अब दोस्तों आपको बता दें जो अंतिम राउंड की जो मेरिट जाती है, स्टार्टिंग की मेरिट है फर्स्ट राउंड में दोस्तों, उसके बाद डाउन होती जाती है मेरिट, तो उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स है वो हम आपको बता देंगे। हाँ, ये मेरिट बनती कैसे इसको जरा देख लीजिए। आपका दोस्तों हाई स्कूल का परसेंटेज जोड़ा जाता है, इंटर का जोड़ा जाता है, उसके बाद अंतिम में ग्रेजुएशन का। ठीक है, ग्रेजुएशन दोस्तों आपका 3 साल का हो सकता है, या अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल का होगा। तो सभी दोस्तों परसेंटेज को जोड़कर जो ओवरऑल आता है ना, उसी का दोस्तों देखा जाता है। जैसे बीएड बीटेक का दोस्तों जो परसेंटेज ओवरऑल आ जाता है कि आपका 70% बनने, 75% बनने, जो भी, वैसे दोस्तों अगर आप बीए बीएससी वाले तो उसका एवरेज निकाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल में दोस्तों आपका 70% है, इंटर में भी 70% है, और ओवरऑल दोस्तों आपका जो स्नातक है ग्रेजुएशन में भी 70 है, तो 70 70 70 तीनों को 70 को जोड़ लेंगे, 70 प्लस 70 हो गया प्लस 70, इसको जोड़े तो दोस्तों आपको मेरिट आ गया 210। अब 210 में दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड में सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और आपको बता दें कि जो डीएलएड की मेरिट जाती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, तो इसको लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। सेकेंड राउंड का आप इंतजार कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज का विकल्प होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।